कोकोनट ऑयल यूज करा था एक दिन पहले, उसके बाद मैंने इससे काफी ज्यादा हेयर फॉल होता है, इसको लगाने के टाइम पर वैसा फीलिंग नहीं आता है। हाय एवरीवन, सो आज मैं आपके साथ लव ब्यूटी एंड प्लेनेट से ऑलिव ऑयल एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिपेयर सल्फेट फ्री शैम्पू का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जैसा की आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, तो इसको ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है, इनकी वेबसाइट पर भी, नायका पर भी मिल रहा था, तो मैंने इसको नायका से परचेज करा है। एंड आई डोंट नो कितने का लिया है, मुझे याद नहीं है, बट जितने का भी लिया होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगी यहाँ वहाँ। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने खुद ही परचेज करा है, तो ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। पहले भी मैं आपके साथ लव ब्यूटी एंड प्लेनेट से मुरु मुरु बटर शैम्पू का रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ, बट अब वो उन्होंने पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया है, तब मैंने नायका से ही परचेज करा था उसको। सो अभी वो मिलता नहीं है, एंड वो मुझे काफी पसंद था, उसके बाद ही नहीं मिला तभी मैंने इसको परचेज करा है ट्राई करने के लिए। एंड वो बड़ी बॉटल थी, इसको मैंने छोटी बॉटल में लिया है ताकि मैं चेक कर सकूं कि ये प्रोडक्ट भी वैसा ही वर्क करता है या नहीं। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लो। सो गाइस, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से ही आती है, इसकी कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं है। 200 ml का प्रोडक्ट है जिसका MRP 385 rupees है। एंड ये लव ब्यूटी एंड प्लेनेट से ऑलिव ऑयल एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिपेयर सल्फेट फ्री शैम्पू है। ये वीगन है, पीटा अप्रूव्ड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है, इसमें पैराबिन्स नहीं है, डाई नहीं है, एंड नेचुरल ऑलिव ऑयल का यूज़ करा है इन्होंने, वीगन पेप्टाइड का यूज़ करा है, एंड ऑल्सो ये कलर्ड हेयर के लिए भी सेफ है, ये सारा कुछ इन्होंने इस पर मेंशन किया। एंड गाइस, ये जो बॉटल है ये 100% रिसाइकलेबल प्लास्टिक से बनी है, ये सारा कुछ भी इस पर मेंशन किया है। एंड ऑल्सो अगर आपको इसके फुल डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स चेक करने हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो, एंड ऑल्सो नायका पर भी अवेलेबल हो। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको हाफ से भी ज्यादा एम्प्टी कर दिया, मैंने इसको काफी बार यूज करा, उसके बाद ही मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जो इन्होंने ऑलिव ऑयल एंड पेप्टाइड मेंशन किया हुआ है वो आपके डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो जो आपके हेयर डैमेज हुआ है हीट ट्रीटमेंट या कलर ट्रीटमेंट्स की वजह से वो भी सही करने में आपकी हेल्प करता है, एंड इसका टेक्सचर क्रीमी है। आगे आपको मेरा ओपिनियन सुनने मिलेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है। आप देख सकते हो मैंने अभी हेड वॉश करा हुआ है इससे, कल करा था मैंने, और आज आप मेरे बाल देख सकते हो काफी सही लग रहे होंगे, आपको शाइनी लग रहे होंगे, एंड मैंने कोई भी कंडीशनर नहीं लगाया। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कंडीशनर यूज करने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, काफी ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो ये सारी चीजें मुझे फेस करनी पड़ती है। तो इन्होंने इसको बॉन्ड रिपेयर शैम्पू को लॉन्च करा है, तो या गाइस ये काफी अच्छा शैम्पू है, इसने मेरे जो ब्रेकेज है उसको भी कम करा है, एंड काफी ज्यादा मैनेजेबल भी लगते हैं मेरे बाल, आप देख सकते हो। मैं ना तो कोई अभी मैंने कोई हेयर मास्क अप्लाई करा है, ना मैंने कोई कंडीशनर यूज करा है, जस्ट इस शैम्पू को इससे हेड वॉश करा था, एंड ऑयलिंग करी थी उसके बाद करा था, तो मैंने जस्ट कोकोनट ऑयल यूज करा था एक दिन पहले, उसके बाद मैंने इससे हेड वॉश करा, एंड इस तरह के रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, जो कि काफी अच्छा है। काफी ज्यादा वॉल्यूम भी ऐड करा है इसने मेरे बालों में, मैनेजेबल भी लगते हैं, सिल्की भी लगते हैं, फ्रिज भी नहीं लगता है सामने से देखने में, आप देख सकते हो काफी अच्छे शाइनी से हेयर हो जाते हैं। सो मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा है, एंड अगर आप ऑयलिंग करते हो तो आपको इसकी दो बार शैम्पू करना होता है इससे, तभी आपके बालों से जो ऑयल है वो रिमूव होता है, एंड ये आपके नेचुरल ऑयल्स को भी स्ट्रिप ऑफ नहीं करता है, स्कैल्प को काफी अच्छे से क्लीन कर देता है। एंड ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफी माइल्ड है, हार्श अनोइंग नहीं है, एंड या इसके टेक्सचर में एंड इसके जो मुरु मुरु बटर शैम्पू का जो टेक्सचर है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि वो जो शैम्पू था वो काफी ज्यादा लगाने के टाइम पर भी अच्छा फील होता था, इसको लगाने के टाइम पर वैसा फीलिंग नहीं आता है मुझे, वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में था, बटरी सॉफ्ट था, इसको लगाने के बाद वैसा फील नहीं आता, बट रिजल्ट सेम ही है, जैसा उससे मुझे रिजल्ट मिले थे उसी तरह से इसके रिजल्ट भी हैं। एंड ओवरऑल ये शैम्पू मुझे काफी अच्छा लगा, एंड बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग भी है, बालों में काफी अच्छा हाइड्रेशन एड करता है, आप देख सकते हो सिल्की लगते हैं बाल, शाइन नहीं लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं, मैनेजेबल लगते हैं, एंड ऊपर से क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, इसमें सल्फेट नहीं है, एंड ये स्कैल्प को भी अच्छे से क्लीन कर रहा है। ओवरऑल ये शैम्पू काफी अच्छा है, एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। एंड एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हो तो आपको इसको जस्ट एक ही बार यूज करना होता है, एंड आपके स्कैल्प को काफी अच्छे से क्लियर कर देता है, तो मुझे इसके रिजल्ट काफी अच्छे लगे, चाहे आप ऑयलिंग करो और चाहे ना करो,
ये काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसके शैम्पूस काफी अच्छे आते हैं, व्हेन आई से इट आई मीन इट, इनके शैम्पूस काफी अच्छे आते हैं। मेरे जो बीच बीच में ब्रेकेज था ना उसको भी कम करा है, तो मुझे तो अच्छा लगा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। सो गाइस दैट्स ऑल इस वाले शैम्पू के लिए, मेरा यही रिव्यू था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।